देखो सब्जेक्टिव शीट नंबर 10, इसके अंदर ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर है और कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ज़्यादा है और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। तो ये कंडक्टर है जिसमें एक का डायमीटर D1 है और एक का डायमीटर D2 है। तो डायमीटर D1 2 mm गिवन है, करंट डेंसिटी वायर की लेफ्ट पोर्शन की J गिवन है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया गिवन है। व्हाट करंट फ्लोज इन टू द वायर, तो आपको बताना है वायर में करंट कितना है। तो पहला पार्ट तो बहुत क्लियर है, डायमीटर गिवन है आपको, इसमें करंट डेंसिटी गिवन है, डायमीटर गिवन है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से। तो करंट डेंसिटी इस करंट अपॉन एरिया, या फिर करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो क्योंकि करंट डेंसिटी पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन का क्या है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह डायमीटर बाय 2, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, करंट आ जाएगा। पहला पार्ट क्लियर है करंट का। अब दूसरा पार्ट, करंट की वैल्यू पूरी वायर में सेम रहेगी, हालांकि हमने किया नहीं, सीरीज के अंदर करंट सेम रहते हैं और आपको पता है ये कंडक्टर पूरा का पूरा सीरीज में ही है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, हमने लिक्विड्स में एक इक्वेशन की थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो जिसमें अलग अलग किस्म की पाइप्स हैं, बड़ी पाइप है फिर छोटी पाइप है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पहली पाइप में और दूसरी पाइप में रिमेन्स सेम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम रहता है। यही थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की जगह चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। और चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या रहता है, करंट। तो करंट दोनों वायर्स में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। कोई डाउट इसमें, ठीक। तो करंट इसमें सेम रहेगा। दूसरा, सेकेंड पार्ट में पूछ रहे, इफ करंट डेंसिटी इज डबल, जब वायर छोटी हो जाती है तो कह रहे जे टू करंट डेंसिटी है, और इसकी करंट डेंसिटी इसकी करंट डेंसिटी से डबल है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी कि J2 इज 2 times J1। तो आपको ये बताना है फिर ये डायमीटर D2 क्या होगा। तो रूल नंबर 1, करंट दोनों में सेम है, करंट डेंसिटी की फॉर्म में करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो यानी कि J1 A1 J2 A2, जैसे वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती थी, A1 V1 A2 V2, इसमें करंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, J1 A1 J2 A2। तो आपको सेकेंड की करंट डेंसिटी फर्स्ट से डबल गिवन है, एरिया की जगह पाई इंटू D1 by 2 का स्क्वायर, एरिया की जगह पाई इंटू D2 by 2 का स्क्वायर। आपको पहला डायमीटर गिवन है, ये करंट डेंसिटी इससे डबल गिवन है, ये कट जाएगी J1 G1, तो यहाँ से ये टर्म आएगी, D1 पता है, D2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने कर लिया था रेजिस्टेंस वाला सारा काम, ये कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये देखो, फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सिंबल टाउ। फाइंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ बिटवीन कोलिजन्स एंड फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर। फ्री पाथ बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टाइम ऑफ कोलिजन की बात करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं। क्या क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो। और क्या गिवन है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब n। और क्या गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये गिवन है। आपको टाउ का एक ही फॉर्मूला आता है, हमने ओम लॉ की डेरिवेशन की थी, ओम लॉ की डेरिवेशन में रो का फॉर्मूला था, ये रहा m/n e² × टाउ, या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आता है, पर हमें क्योंकि क्वेश्चन में रो गिवन है और टाउ गिवन है, तो रो और टाउ का फॉर्मूला हमने किया था। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाउ टाइम एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि केमिस्ट्री से वैसे भी हमें याद है, 9.1 × 10⁻³⁻³। एन का मतलब नंबर डेंसिटी गिवन है, ई का मतलब चार्ज गिवन है, और रो का मतलब मुझे क्वेश्चन में ये भी गिवन है। सारा कुछ पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, टाउ निकाल सकता हूँ। कैलकुलेशन को छोड़े, मेथड समझ में आ गया क्या फॉर्मूला लगाना है। अब वो कह रहे हैं कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया, कह रहे फ्री पाथ निकालो। जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में चलता है तो वो कोलिजन करता है, अब जब तक उसकी कोलिजन नहीं होती तब तक वो फ्री फ्री है, इट इज़ फ्री टू मूव। तो जितना वो रास्ता कवर करता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। हमने ये KTG के अंदर भी किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मीन फ्री पाथ, जो मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर भी टक्कर मारते जाते हैं तो वो फ्री पाथ, ऐसे ही रहा।
तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब तक उसकी कोलिजन नहीं होती तब तक वो क्या होता है, फ्री पाथ है। तो फ्री पाथ के लिए उसको टाइम कितना मिलेगा, टाउ, क्योंकि टाउ के बाद तो टक्कर हो जाती है, तो डिस्टेंस कवर वो क्या करेगा, एस इज इक्वल टू वी टी, और वो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट, और इनटू टाइम, टाउ, तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट गिवन है, इनटू टाउ, टाइम भी पता है, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, फ्री पाथ। तो ये आइडिया समझ में आ रहा है कि फ्री पाथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो टाउ आ गया, फ्री पाथ आ गया, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है, अप्लाइड अक्रॉस वायर ऑफ एल गिवन है। जब भी ये स्टेटमेंट आ जाए ना, वी गिवन है और एल गिवन है, तो वी और एल को डिवाइड करके ई निकाल लो। ई क्या होता है, डीवी बाय डीआर, पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ई आ जाएगा। तो यहां से डिवाइड करके ई आ गया, एक तो ई साइड पर रख लो। और क्या गिवन है, एरिया गिवन है, करंट गिवन है, नंबर डेंसिटी एन गिवन है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल दो। देखो मेरे को आज की डेट में ये फॉर्मूला आता है टाऊ का, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया। हमने फिर से इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाऊ निकालना है। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही स्टैंडर्ड है, एन आपको क्वेश्चन में गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ई भी आपको पता है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, रो चाहिए। अगर मैं आपको रो बता दूं तो हमारे से टाऊ आ जाएगा अगले क्वेश्चन में। अब मेरे को इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ई तो पता लग चुका है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मुझे पता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जे इज सिग्मा इनटू ई, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, इस क्वेश्चन में करंट और एरिया दोनों पता है, तो यानी कि जे पता है, ई हमने निकाल लिया, तो क्या आ गया, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, वन बाय रो, तो क्या आ गया, रो। और अगर रो आ गया फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगर रो आ गया तो समझो टाउ भी आ गया। तो मेथड क्लियर है यहां तक? तो मतलब मैं ओम लॉ को अप्लाई करके क्या निकाल लूंगा, इसमें रो, सिग्मा, सिग्मा से क्या आएगा, रो, रो से क्या आएगा, टाउ। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, मेथड समझ में आ रहा है? ये जो मोबिलिटी का टॉपिक है ये अभी किया नहीं हमने, शीट नंबर 40 पे चलते हैं। शीट नंबर 40 देखो, इसके अंदर टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। हमने ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला टाउ की फॉर्म में ये था, हमने ओम लॉ से निकाला था लास्ट टाइम। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जब मेटल्स में, कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की मूव करने की, स्पीड बढ़ती है और टाइम टक्कर का कम हो जाता है, कोलिजन जल्दी हो जाती है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम गिर जाएगा। अगर टाउ कम होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इन शॉर्ट, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, ठीक है यहां तक? तो ये रीजन भी समझ में आ गया, अगर लिखने को आ जाए रीजन लिख लेंगे, ठीक। दूसरा, किसी भी कंडक्टर के अंदर, फॉर एनी कंडक्टर, मान लो आपके पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ओ है, आर जीरो है, आर जीरो का मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0°C, आपने टेम्परेचर 0°C से कितना कर दिया, T°C, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, आर ऑफ टी हो गई, तो आर जीरो से कितनी हो गई, आर ऑफ टी हो गई, क्लियर है? तो देयर विल बी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज क्या आया, आर टी माइनस आर ओ, क्लियर है यहां तक? या आप नोट करें कि डेल्टा आर जो होता है ना, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी एट 0°C, जितनी ओरिजिनल थी जीरो पे उतना ही चेंज ज्यादा होगा, एंड ये डिपेंड करेगी जितना आप राइज इन टेम्परेचर करेंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका डेल्टा आर भी उतना ही बढ़ेगा। और अगर मैं इन्हें कंबाइन कर दूं, कंबाइन करके डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू
आर जीरो इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब आपका जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर के इंक्रीज पे भी डिपेंड करेगी। तो यहां पे क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या शो करता है, कांस्टेंट का मतलब मटेरियल। आपकी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आर एट जीरो पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के इंक्रीज पे भी डिपेंड करेगी और मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी कि आप किस मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो उस मटेरियल के लिए इस कांस्टेंट का नाम पुट किया जाता है अल्फा। अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हर मटेरियल का कांस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा है तो उसका डेल्टा आर भी ज़्यादा है, अल्फा की वैल्यू अगर कम है उसका डेल्टा आर भी कम है। और अगर हम इसे कंबाइन कर लें या इसे रिजल्ट बनाएं तो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर जीरो इंटू डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब है आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ जीरो अल्फा इंटू आर ऑफ जीरो इंटू डेल्टा टी। तो यहां से आर ऑफ टी विल बी इक्वल टू आर ऑफ जीरो राइट साइड पे चला गया, तो आपके पास क्या टर्म आ गई, अल्फा इंटू आर ऑफ जीरो इंटू डेल्टा टी, या आर ऑफ टी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट जीरो वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक फॉर्मूला? ये फॉर्मूला देखा लगता है, प्लस वन का चैप्टर था थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन से ही रिजल्ट आया है। सेम क्लियर है यहां तक? तो इसलिए आपकी बुकलेट में क्या लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस इज रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो आर ऑफ टी का मतलब रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर जीरो का मतलब रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस, अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, एंड डेल्टा टी का मतलब राइज इन टेम्परेचर। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो रिजल्ट है वो मैंने किसके लिए लिखा, रेजिस्टेंस के लिए लिखा। सेम रिजल्ट रेजिस्टिविटी के लिए भी आएगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कनेक्ट आपस में रिलेटेड है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। तो रो कैसे बढ़ेगा, सेम फॉर्मूला, रो एट टी डिग्री सेल्सियस इज रो एट जीरो डिग्री सेल्सियस वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब ये अल्फा और ये अल्फा में फ़र्क है, ये जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो अल्फा है वो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ये दोनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको इसमें ढूंढनी नहीं होती, गिवन होता है। क्लियर है? अल्फा के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, अल्फा, देखो एक काम करो इसे ओपन कर दो, आर ऑफ टी इज आर ऑफ जीरो प्लस आर ऑफ जीरो अल्फा इंटू डेल्टा टी, या फिर आर जीरो अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ जीरो, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आर ऑफ टी आर ऑफ जीरो आर जीरो डेल्टा टी। तो मैंने क्या कर लिया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये इसके यूनिट्स ओम में, इसके यूनिट्स ओम में, टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस, तो वन अपॉन डिग्री सेल्सियस या वन बाय केल्विन एक ही बात है। तो अल्फा के जो यूनिट्स होंगे सेल्सियस रेज टू पावर माइनस वन या केल्विन रेज टू पावर माइनस वन रहेंगे। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो दो फॉर्मूलाज क्लियर हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स एनसीईआरटी या कोई भी अच्छी बुक लोग, एच सी वर्मा, उसके अंदर सारों में गिवन है, और उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आ जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव नीट और मेंस के अंदर भी वन लाइनर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो इसमें से आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, पर एनसीईआरटी की बुक से है तो इसलिए इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्स हैं। जैसे मेटल्स के लिए, मेटल्स की बात हो रही है, मेटल्स का जो रो होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 8 के आसपास होता है। सेकेंड फैक्ट है, मैनी मेटल्स के लिए, काफ़ी मेटल्स के लिए अल्फा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के आसपास होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल जो होती है वो कम होती है किससे, एलॉयज से, तो एलॉयज से कम होगी। ये पॉइंट आपने ध्यान में देखना है एक बार, तो ये फैक्ट याद रखना है, एलॉयज की हमेशा जो प्योर मेटल्स हैं उसकी लेस होती है एलॉयज से। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ, कॉपर की
ऐसे इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की ऐसे इंक्रीज होती है। आप कहोगे सर फिर बाकी मेटल्स की मुझे नहीं पता कैसी होती है, दो ही ग्राफ के बने मैंने दो ही ड्रॉ कर दिए, तो अगर आएगा तो दोनों में से आएगा, भाई जो एनसीईआरटी किताब लिख रही है उसी में से आएगा, तो दो मेटल्स है दोनों के आप नोट कर लें बस, अगर वेरिएशन प्लॉट करने को आ जाए पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अल्फा, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी मेटल का हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की। तो हमने रेजिस्टेंस का इंक्रीज देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमने देखा, कोई डाउट इसमें? अब इसमें सेमीकंडक्टर का क्या होता है या इंसुलेटर का क्या होता है, इसको एक बार देखते हैं। देखो इंसुलेटर का तो कुछ नहीं होता, होता तो सेमीकंडक्टर का है, क्योंकि इंसुलेटर तो इंसुलेटर है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो लिख तो दिया इंसुलेटर बट फायदा नहीं है, तो बात सेमीकंडक्टर की करते हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा अलग फिनोमेना चलता है, हम ये नवंबर दिसंबर में पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स, बिल्कुल आखिरी यूनिट है आपका, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि सेमीकंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनके बहुत सारे सिलिकॉन के बॉन्ड्स टूट जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर से ही एनर्जी लेके ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जबकि मेटल्स के अंदर ऐसा होता नहीं है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट फ्री होता है, पर सेमीकंडक्टर में तो जरा सा टेम्परेचर इंक्रीज करो लाखों लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो जब लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो, जो कि कंडक्टर में ऐसा होता नहीं, तो आगे देखते इससे क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर्स में रिलैक्सेशन टाइम टाउ डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जबकि कंडक्टर में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड में फर्क पड़ता था, टाउ कम होता था, सेमीकंडक्टर का टाउ चेंज ही नहीं होता टेम्परेचर से, पहला फैक्टर। तो सेमीकंडक्टर किससे अफेक्ट होता है, बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं और एक्सपोनेंशियली नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, एन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से लाखों बॉन्ड टूटते हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इससे क्या होता है, तो फॉर्मूला है, ये रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी के अंदर टाउ तो हमने देखना ही नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का टाउ तो चेंज ही नहीं होता। सेमीकंडक्टर में एन ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, कंडक्टर्स में नहीं बढ़ता था, एन एन कांस्टेंट होता है कंडक्टर में, उसमें कौन सा धूप में या टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन इंक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर में एन बढ़ जाता है। जब एन बढ़ता है तो रो क्या हो जाता है, गिर जाती है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि सेमीकंडक्टर को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस गिर जाती है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तभी तो सोलर पैनल्स काम करते हैं, क्योंकि जितनी धूप पड़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी एन ज़्यादा होगा, ज़्यादा करंट आराम से फ्लो कर पाएगा। कंडक्टर में उल्टा होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रो इंक्रीज होता है, इसमें रो कम होता है, उल्टा वेरिएशन है बिल्कुल। तो ये याद रखना है आपने, पहला पॉइंट। दूसरा वो कह रहे हैं जो बॉन्ड्स टूटते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वो एक्सपोनेंशियली होते हैं। तो कैसे होते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आता नहीं है, हाँ, पर ये बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्री होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप समझ सकते हैं मैथ्स के स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिपेंड करता है, एंड ईजी पे डिपेंड करता है। ईजी का मतलब होता है एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ये हम भी करेंगे और केमिस्ट्री वाले भी सिखाएंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, वो वैलेंस बैंड में होता है। आप एनर्जी दो, एनर्जी देके वो क्या कर जाता है, वो फ्री हो जाता है, उस एटम से निकल जाता है। आप एनर्जी दें, एक्साइट होता है, आयनाइज हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं और वो फ्री हो जाता है। तो जब वो फ्री बन जाता है तो आपने कितनी एनर्जी दी उसको फ्री बनाने के लिए, उसको ईजी बोलते हैं, बैंड गैप। तो एक इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने की एनर्जी, एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, यानी कि एक बॉन्ड तोड़ना मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, बॉन्ड तोड़ना इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ई ऑफ जी बोलते हैं, बैंड गैप एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? तो बैंड गैप एनर्जी समझ में आया क्या होता है? तो एक जो सेमीकंडक्टर्स है उसमें बैंड गैप की एनर्जी बहुत कम होती है,
जरा सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हाई हुआ, ईजी इतना लो है कि फटाफट अपने आप ही बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर ओनली। तो ये एन का फॉर्मूला है, बताने के लिए बताया, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो रेजिस्टिविटी ऐसे चेंज होती है सेमीकंडक्टर की, ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं होता, पर हाँ ठीक है अगर मार्क करने को आ जाए तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू बैंड गैप अपॉन के इंटू टी होती है, यूज़ नहीं होता वो अलग बात है। एनर्जी गैप, एक सिलिकॉन के बॉन्ड्स बने हुए हैं सेमीकंडक्टर में, बॉन्ड बने हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने एटम्स के अंदर है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी ईजी होती है, बैंड गैप एनर्जी। ठीक, चलो इन एनी केस इसमें इतनी ड्रिल में नहीं जाने की ज़रूरत, बस ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स का रो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ और सेमी कंडक्टर्स का रो कम होता है टेम्परेचर के साथ, बस क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, अगर ये बैंड गैप, एक लाइन एक्स्ट्रा है वैसे ही हम बाद में करेंगे, अगर किसी भी कोई भी सेमी कंडक्टर लें उसमें जो बैंड गैप है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो वो सब्सटेंस सेमीकंडक्टर होता है। वैसे आपको नॉलेज के लिए बता दूं, सेमीकंडक्टर में बैंड गैप एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है, और ये एनर्जी आप नॉर्मल रूम के टेम्परेचर से भी एक्वायर कर सकते हो। इसीलिए सिलिकॉन के बॉन्ड बहुत जल्दी टूटते हैं, सेमीकंडक्टर के बॉन्ड बहुत जल्दी टूटते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए वो तो वैसे मिल जाती है उसे। तो ये एनर्जी कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी है, तोड़ने की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में वो सब्सटेंस क्या माना जाएगा, इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर से नहीं मिलती, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब भी नहीं मिलती। आप किसी इंसुलेटर को ले आओ, प्योर इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन आप फ्री कर ही नहीं पाएंगे, जितनी मर्जी एनर्जी दे दें वो फ्री नहीं हो सकता, तो वो इंसुलेटर है। अगर फ्री हो गया फिर तो वो कंडक्टर ही हो गया। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है, जो कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, जो कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने किया था अल्फा, वो सेमीकंडक्टर के लिए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और कार्बन के लिए भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ये फॉर्मूला हमने किया। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, किसी भी कंडक्टर की, कंडक्टर का अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। तो सोचो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आर ऑफ टी विल इंक्रीज, लेकिन अगर आप बात करते हो किसी भी सेमी कंडक्टर की, सेमी कंडक्टर में ये जो वैल्यू होती है अल्फा की वो पॉजिटिव की बजाय क्या होती है, नेगेटिव। तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर आपकी ये टर्म बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम। तो कंडक्टर में ये अल्फा पॉजिटिव पाया जाएगा, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव, तभी तो आर की वैल्यू कंडक्टर में बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर में कम होगी। कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है इसमें, फैक्ट्स आइए। ठीक, तो ये ग्राफ है रेजिस्टिविटी का सेमीकंडक्टर के साथ टेम्परेचर का गिरना, एज यू इंक्रीज दी टेम्परेचर रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में कैसे डिक्रीज होती है, ये वेरिएशन आपने याद रखनी है। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आता है एक नंबर में, कि अलॉयस लाइक कॉन्स टेंटेन या मैगनिन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। जो रेजिस्टेंसेज यूज करते हैं ना, बड़ी बड़ी रेजिस्टेंसेस, वो इन अलॉयस की बनी होती हैं, ऐसा क्यों, प्योर मेटल नहीं है, एलॉयज के साथ बनाया जाता है और ये एलॉयज यूज किए जाते हैं, ऐसा क्यों। देखो, सपोज करो मैं एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस लैब में मेरे को एक रेजिस्टेंस की कॉइल चाहिए थी जिसकी वैल्यू थी 200 ओम 200 ओम। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, मैं नहीं चाहता कि वो 200 ओम की वैल्यू चेंज हो, मेरे को कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट में। हुआ क्या, सुबह 11 बजे थे, टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस था, 2 बज गए एक्सपेरिमेंट करते करते, टेम्परेचर हो गया 46, 6 डिग्री में तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, 200 की जगह होता 220 हो जाए, मेरे तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया ना। तो मैं एक ऐसा मटेरियल यूज़ करूँगा जिसमें वायर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी चेंज ना हो, क्योंकि अगर वो सेंसिटिव मेटल होगा, अगर वो ऐसा मेटल अलॉय होगा, ऐसा मटेरियल होगा जो कि रूम के, जो कि डे टेम्परेचर के साथ ही रेजिस्टेंस चेंज करता है,
फिर तो मैं एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाऊंगा अपना, तो मैं ऐसा यूज़ करूंगा जिसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज ना हो, थोड़े बहुत टेम्परेचर में तो बिल्कुल भी चेंज ना हो। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ऐसा कंडक्टर या ऐसा अलॉय यूज़ करूँगा जिसका अल्फा बहुत छोटा हो। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ, ये देखो ऐसे चेंज होती है, ऐसे चेंज होती है, तो अगर आपकी जो अल्फा की वैल्यू किसी भी मटेरियल के लिए ज़ीरो है, मान लो ज़ीरो ही है, तो यानी कि आर टी किसके इक्वल है, आर नॉट, तो उसका टेम्परेचर के साथ इसका मतलब कोई लेना देना है ही नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं, तो अल्फा अगर लो होगा, कम होगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत जल्दी चेंज नहीं होगी। तो ऐसा अलॉय यूज़ करूँगा जिसका अल्फा क्या होगा, कम हो, ताकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसकी वैल्यू में ज़्यादा फर्क ना आए। और यही रीज़न है कि ये जो मटीरियल हैं, ये जो मटीरियल हैं, इनकी वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है। इनका जो टेम्परेचर कोफिशेंट है वो क्या होता है, लो होता है। ऐसा क्यों? ताकि सो दैट देयर रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज इवन फॉर सेवरल डिग्रीज ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो इनकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज आता नहीं। तो ये मेन रीज़न क्लियर है। और हाँ, इनकी अलॉयज की बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी भी होती है। तो रो की वैल्यू इनकी हाई होती है, लेकिन अल्फा की वैल्यू इनकी लो होती है। ये इनके फैक्ट्स आपने याद करने हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। और दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाई, एक और रीज़न है, बाय एटमोस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर या जो भी है, इनके साथ इनका कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेन रीज़न तो वही है अल्फा वाला जो मैंने आपको बताया है। ठीक। एक है सुपर कंडक्टर्स। बात हो रही थी मेटल की, मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर की कम होती है टेम्परेचर के साथ, सुपर कंडक्टर। अब कोई कहता है मैं एक कंडक्टर लेके आता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर गिराऊंगा मेरी रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर और कम करूंगा रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर और कम करूंगा रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इतना कम कर दूंगा कि रेजिस्टेंस कम 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 होते होते निगलिजिबल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो सकता, स्पेशल कंडीशन पे अगर ऐसा हो जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, इतना लो टेम्परेचर कर दिया, तो उस लो टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर को जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और अब वो मेटल क्या बन गया, या वो कंडक्टर क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। जैसे एक जो फिल्मों में मैन क्या बन गया, सुपरमैन, उस पर स्पेशल कुछ पावर्स आ गई, ऐसे ही इसमें क्या हो गया, सुपर कंडक्टर, पे स्पेशल पावर आ गई इसके ऊपर कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़ीरो। आप कहोगे इससे क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल तो होता नहीं, लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया, सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश की और उसके अंदर करंट को छोड़ा गया, हल्का सा करंट दिया गया उसे, बैटरी को हटा लिया। करंट कब कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट से करंट को ख़त्म कर देती है, सुपर कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। कई साल तक वो करंट उसमें दौड़ता ही रहा, ख़त्म कैसे होगा, रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोलिजन ही नहीं है। जब कोलिजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करंट पैदा हो गया तो हो गया, तो ये सुपर कंडक्टर है। ठीक। तो ये रहा रेजिस्टिविटी, रो बिकम ज़ीरो बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टिविटी रो फॉलोज द ट्रेंड ऑफ नॉर्मल मेटल। तो क्रिटिकल के नीचे तो सुपर कंडक्टर है, क्रिटिकल के ऊपर नॉर्मल मेटल है। तो नॉर्मल मेटल का ग्राफ ऐसे बनता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का, सुपर कंडक्टर का टी सी, टी सी का मतलब क्रिटिकल, क्रिटिकल के नीचे तो ग्राफ ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिटिकल के नीचे तो रो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा मेटल की तरह, लेकिन क्रिटिकल को बीच में लाना पड़ेगा सुपर कंडक्टर का। तो सुपर कंडक्टर की जो रो की वैल्यू है वो क्रिटिकल से नीचे नहीं होगी, वैसे वेरिएशन कंडक्टर वाली ही रहती है इसकी। ठीक। ये दो ग्राफ्स हैं सुपर कंडक्टर और नॉर्मल मेटल के। नेक्स्ट है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप इन अ सुपर कंडक्टर इट कैन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी अप्लाइड ईएमएफ फॉर सेवरल ईयर। बताया मैंने, बहुत देर के लिए रह सकता है करंट अगर उसमें हम सुपर कंडक्टर को यूज़ करें। क्रिटिकल टेम्परेचर डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो ये भी मेंटेन कौन करेगा, मतलब हर वक्त ही वो टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो सकता है। ठीक। एक अफेक्ट है जिसको बोलते हैं मेसनर्स अफेक्ट, एक नंबर में एनसीईआरटी में आ सकता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मेसनर्स अफेक्ट क्या होता है, ये वैसे मैग्नेटिक अफेक्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से नहीं। होता क्या है कि नॉर्मल मेटल है और ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं,
जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में की, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। नॉर्मली किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से क्रॉस करती हैं, लेकिन जब वो सुपर कंडक्टर हो जाता है, देखो टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल तो यानी कि वो नॉर्मल कंडक्टर है, इफ टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल इसका मतलब वो सुपर कंडक्टर है। तो जैसे वो सुपर कंडक्टर बनता है तो कोई भी लाइन उसको क्रॉस नहीं कर पाती, उसके साइड से निकल जाती है, क्योंकि वो क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। तो इस अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कौन सा अफेक्ट है, मेसनर्स अफेक्ट है। एक्सपेरिमेंट है, उसका रिजल्ट बताया मैंने कि नॉर्मल कंडक्टर में तो पास होती हैं, सुपर कंडक्टर में ये पास नहीं होती। तो ऐसे केस में व्हेन सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट, मान लो एक मेटल कंडक्टर क्या बन गया, सुपर कंडक्टर, तो वो मेटल क्या बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक। तो यानी कि वो क्या बन जाता है, डाइलेक्ट्रिक। तो इस पूरे अफेक्ट को कि जब एक नॉर्मल कंडक्टर या कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस नहीं करती और वो मेटल कैसे एक्ट करता है लाइक डाइलेक्ट्रिक, तो इस पूरे अफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेसनर अफेक्ट। बस ये रिजल्ट है। सुपर कंडक्टर के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कोई भी, आपको कोई नहीं पूछेगा सुपर कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर्स पे आएगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार रीड करना, ये रहा द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट वाला। तो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ कोई टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133। तो रेजिस्टेंस 150 डिग्री पे गिवन है, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू उसने हमें दे दी। तो आपको इस क्वेश्चन में 150 पे 133 रेजिस्टेंस गिवन है, राइट। तो देखो देखो रेजिस्टेंस एट 150 डिग्री सेल्सियस कितनी गिवन है, 133 ओम्स। रेजिस्टेंस किस पे निकालनी है, 500 पे निकालनी है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? और आपको इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है, जो भी है वो गिवन है, ठीक है यहां तक। तो नॉर्मली लोग रिजल्ट ऐसे लगाते हैं कि रेजिस्टेंस ध्यान से इधर एट 500 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 150, 1 प्लस अल्फा इनटू 500 माइनस 150। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं लगाना, नहीं लगाना। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस एट टी, यहां पर हमेशा क्या लिया जाता है, रेजिस्टेंस एट जीरो इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। तो हम बेस हमेशा आर जीरो से लेते हैं। जैसे केस नंबर वन, केस नंबर वन में टेम्परेचर कितना है, 150। तो मैं ये अज्यूम करूंगा पहले केस में टेम्परेचर जीरो से 150 हुआ है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस एट 150 इज रेजिस्टेंस एट जीरो 1 प्लस 150 माइनस जीरो। क्या स्टेप समझ में आया पहला? तो आपने अगर ये उसने बोला कि रेजिस्टेंस 150 पे 130 थी, तो इसका मतलब उसका बेस क्या लिया, जीरो ही लिया। और ऐसी केस टू में उसने बोला कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कितने, 500, तो मैं एज्यूम करूंगा 0 से 500 यानी कि रेजिस्टेंस एट 500 इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस अल्फा इनटू 500 माइनस 0। क्या स्टेप सबको क्लियर है?
चेक करो प्लीज, ऑनलाइन वालों क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वहाँ केस वन में अल्फा भी आएगा। अल्फा तो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है ना, और मटेरियल तो चेंज ही नहीं हो रहा, दोनों केस में टंगस्टन ही तो है, तो टंगस्टन चेंज नहीं हो रहा, अल्फा विल रिमेन सेम दोनों में। सर वहाँ जहाँ ओ आपने अच्छा, अल्फा फॉर्मूला नहीं दिया, बताया, अच्छा, ये लो अल्फा, ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपने केस हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी काम करो, इसमें रेजिस्टेंस एट 150 कितनी है? 133, ये निकालना है। आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे ना, देखो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, तो ये कर दिया डिवाइड, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, एल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो यहां से आर ऑफ 500 कैन बी कैलकुलेटेड, डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर 500 आएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको यहां तक? सर, बोलो। अगर ये केस जीरो से ही स्टार्ट करना होता तो हम ये डेल्टी लेते ही क्यों है, डायरेक्ट टी पुट नहीं कर सकते? वो आपका शॉर्टकट आप ले सकते हो, आप लो, जीरो से स्टार्ट करना है बेस फॉर्मूला, ही आर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आर जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये लो करके देखो, ये देखो इस क्वेश्चन को करो, देखो इस क्वेश्चन को करो, ये लो 38 प्रॉब्लम को करना प्लीज, 38 प्रॉब्लम। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि एट व्हाट टेम्परेचर, तो हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर टी निकालना है, तो एट व्हाट टेम्परेचर का मतलब टी निकालना है। वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट जीरो, तो यानी कि जब टेम्परेचर जीरो था तो रेजिस्टेंस आर थी, मुझे टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितनी लेनी है, ट्वाइस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गई, डबल, और मुझे टी टेम्परेचर इस क्वेश्चन में निकालना है, और बस यही है। और अल्फा की वैल्यू गिवन है कितनी, ये अल्फा की वैल्यू मुझे कॉपर की गिवन है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, रेजिस्टेंस एट टी इज रेजिस्टेंस एट जीरो वन प्लस अल्फा इनटू टी माइनस जीरो, या टी लिख दो, एक ही बात है, तो इसकी रेजिस्टेंस डबल हो गई, आर अगर पहले आर नॉट है अब टू आर नॉट है, ये देखो ये टू आर नॉट हो गई, वन प्लस अल्फा इनटू टी, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैसे काम करेंगी इसमें, ठीक है यहाँ तक? ठीक,
तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज? क्यों? क्योंकि अल्फा शेप और साइज पे डिपेंड करता ही नहीं है। छोटा मटेरियल बड़ा मटेरियल, अगर कॉपर है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अल्फा विल रिमेन सेम। तो शेप और साइज इसमें मैटर नहीं करती। तो इस क्वेश्चन को देखें, प्लेटिनम वाले को इसे प्लीज सॉल्व करें और ट्राई करें आंसर निकालें। है रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, देखो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट। ये आइस पॉइंट क्या होता है, यानी कि एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस गिवन है, तो क्या लिखें, आर 0। एंड स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस गिवन है 5.23। ठीक। वॉट When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of wire is given. तो आपको temperature बता बाथ का कितना है। पहले केस नंबर वन करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 डिग्री के ऊपर हमें गिवन है, तो फॉर्मूला लगाते हैं रेजिस्टेंस एट 100, 0, 1 प्लस एल्फा इंटू 100 माइनस 0। तो आपको इस क्वेश्चन में ये भी पता है और ये भी पता है, तो आप सॉल्व करके क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा, अल्फा नहीं गिवन ना क्वेश्चन में, तो पहली इक्वेशन से क्या आएगा, अल्फा। अब आपको सेकंड इक्वेशन बतानी है, रेजिस्टेंस एट टी, हॉट बाथ टब पे रेजिस्टेंस टी हो गई, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 0। आपको इस क्वेश्चन में टेम्परेचर बताना है, आपको इसमें रेजिस्टेंस पता है कितनी, 5.795
फाइव, रेजिस्टेंस जीरो पे पता है कितनी, फाइव। अब अल्फा की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट से निकाल देंगे और यहां पे पुट कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर टी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? पहली इक्वेशन से क्या निकलेगा, अल्फा, दूसरी इक्वेशन में अल्फा पुट करके क्या निकलेगा, टेम्परेचर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो इन इक्वेशन को कैसे यूज करना है, आइडिया क्लियर है? तो इस शीट में बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप लोग, करने पड़ेंगे आपको ट्राई। तो बाकी आपको होमवर्क है, इसको आपने ट्राई करना है और प्लीज जरूर ट्राई करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में और कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रेजिस्टेंस को लेके। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। शीट नंबर 41, 41। देखो शीट नंबर 41 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शीट नंबर 41 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब क्या है? अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर में मोबिलिटी ज़्यादा है तो वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है उस कंडक्टर के अंदर, फ्री टू ज़्यादा इजीली मूव कर सकता है, तो ज़्यादा मोबाइल है। और अगर उसकी मोबिलिटी कम है तो इसका मतलब वो इजीली मूव नहीं कर पा रहा। मोबिलिटी को स्टडी करने के लिए एक कंडक्टर लिया, बैटरी कनेक्ट की, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कितनी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्यूई, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, स्मॉल ई। क्या स्टेप क्लियर है? अब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर से निकल रहा होगा तो फिर क्या होगा, उसको अपोजिशन ऑफर ऑफर होगी उस कंडक्टर की, क्योंकि सॉलिड है कंडक्टर, मेटल के आयन से टक्कर मारता हुआ जा रहा है, और वैसे भी सॉलिड कंडक्टर है तो इजीली मूव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे हम प्लस वन में लिक्विड के अंदर एक स्फेयर को गिरते थे, तो स्फेयर को जैसे ही पानी में गिरते थे तो पानी या लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाता था, अपोजिशन की। तो लिक्विड क्या लगाता था, अपोजिशन की फोर्स स्फेयर के ऊपर। और वैसे भी लिक्विड क्या होता था, विस्कस होता था, मीडियम है, मीडियम में आप इजीली मूव नहीं कर पाते। तो स्फेयर के केस में वो फोर्स क्या होती थी, 6 पाई ईटा आर वी। तो वो जो फोर्स होती थी 6 पाई ईटा आर वी, अगर आपको याद हो, वो उस स्फेयर की मूव करने की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट थी। जितनी तेज स्फेयर मूव करता है फोर्स ऑफ अपोजिशन उतनी स्ट्रांग मिलती है। हम भी अगर पानी में जंप करेंगे, जितनी तेजी से जंप करेंगे पानी हमें क्या करेगा, अपोज करेगा उतनी ही फोर्स से। इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम है, ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि ये लेफ्ट जाए, पर ये इलेक्ट्रॉन को वो कंडक्टर क्या लगाएगा, ऑपोजिशन की फोर्स, जो उसकी वेलोसिटी पे क्या होगी, डिपेंड। तो फोर्स ऑफ ऑपोजिशन प्रोपोर्शनल टू वी, और यहां पर आएगा एक कॉन्स्टेंट के। ये जो कॉन्स्टेंट है ये मीडियम, कंडक्टर के मीडियम पर डिपेंडेंट है, वो कैसा कंडक्टर है, कोई ज्यादा लगाता है कोई कम लगाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, जब एक्सेलरेशन की बात हो रही है इसका मतलब ये फोर्स बड़ी और ये फोर्स छोटी होगी, तो कितनी एक्सेलरेशन होगी, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय मास। अब क्योंकि एक तरफ मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का इंक्रीज होना, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वी इंक्रीज हो रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट।
तो ऐसी वेलोसिटी को ली कोट्स में क्या नाम देते थे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो गई, इसको टर्मिनल नहीं बोलते, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये देखो, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एक्सलेशन जीरो हो जाएगी, जीरो कर दिया, ये बराबर हो गए, तो इस वेलोसिटी का नाम क्या दे दिया? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ई बी कांस्टेंट के मीडियम का कांस्टेंट डिवाइड करके म्यू, इस म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी मीडियम के फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो म्यू की डेफिनेशन क्या बनी? वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोटा अप्लाई किया, लो कम, और ड्रिफ्ट उससे ज़्यादा एक्वायर कर ली, यानी कि वो तेज़ मूव कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। तो लोअर दी वैल्यू ऑफ ई एंड हायर दी वैल्यू ऑफ वी डी, मोर इज दी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल्स में कभी काम आ सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस सर। अब होगी मेरी ओके चल। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? माइक है दूसरा? हेलो, आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों को? यस सर। चलो ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। बैटरी की बात हो रही थी, थोड़ी बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी और माइक में। बोलो, के मटेरियल के अंदर आ गया, डिस्कस नहीं किया उसे। ठीक है, तो देखो इसमें अब कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी आपके, अगर आप कहें कि सिलेबस में है, नहीं सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़नी है, आप यहाँ लिख लो मेरी तरफ से कि आप नहीं पढ़ना चाहते, इसे मत पढ़ें, ये नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी पे कुछ नहीं आएगा, पर लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ इंक्लूड किया। बैटरी काम करती कैसे है, एक हल्का सा प्रिंसिपल, एक मैकेनिज्म, इसे समझाने की कोशिश की, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर सपोज करो ये मेरे पास एक बैटरी है, इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और मैं ये मैकेनिज्म ऐसे नहीं समझा रहा कि देखो ये बैटरी है, अब हम इसे तोड़ते हैं, देखो क्या निकला, ये बैटरी है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि सपोज करो बैटरी बनने जा रही है,
बैटरी फैक्ट्री में बनाई हमने, अभी अभी बनाई है, बन रही है रादर, बनी नहीं है अभी कंप्लीट, अभी बिकने को नहीं आई है, अभी फैक्ट्री में है। बैटरी में क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट डाला, बैटरी में इलेक्ट्रोड्स डाले, कुछ जैसे बड़ी बैटरी में केमिकल भी डलता है, वो पानी में डालते हो आप ताकि रिएक्शन हो, तो उसमें एनर्जी एनर्जी मिलती है, तो बैटरी के अंदर एनर्जी भर दी जाती है। तो बैटरी में हमने एनर्जी भर दी, जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वो प्रोसेस को समझते हैं क्या हुआ। तो ये बैटरी तो बन चुकी है, इसकी बात नहीं हो रही, अभी डाला ही इलेक्ट्रोलाइट और अभी दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट को डाला तो बैटरी के अंदर एक इंटरनल फोर्स काम करती है, क्योंकि बैटरी के पास एनर्जी है, तो बैटरी क्या करती है, एक फोर्स डेवलप करती है, वो फोर्स है बैटरी की फोर्स FP। और बैटरी कांस्टेंट फोर्स लगाती है किसी भी चार्ज के ऊपर, जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, तो बैटरी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगाती है कांस्टेंट, मान लो 10 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स है, तो इलेक्ट्रोलाइट में जितने पॉजिटिव हैं उसको वो फोर्स लगाएगी, 10 10 10 लगाती जा रही है, हटेगी नहीं, 10 10 10 10 लगाती जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यहाँ पर इकट्ठा करती जाएगी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नहीं, तो बैटरी काम कर रही है और चार्जेस को डिपॉजिट करती जा रही है किसके ऊपर? दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, बाय अप्लाइंग अ कॉन्स्टेंट फोर्स FP। वो फोर्स कैसे आई उसकी कोई डिस्कशन नहीं हम करेंगे इसमें, ठीक। बस ये समझें कि बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म फोर्स FV डेवलप करता है कॉन्स्टेंट और चार्जेस को पुश करता रहता है, हर वक्त करता ही रहेगा। बैटरी हर वक्त चार्ज को उठा के इलेक्ट्रोड पे पुश करती जा रही है और यहाँ चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, शुरू शुरू में तो ये बैटरी की चल रही थी, बैटरी तो इलेक्ट्रोलाइट की चलेगी, तो उसने पुश किया और प्लस और माइनस डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए। शुरू में प्लस और माइनस कमज़ोर थे, कम डिपॉजिट हुए थे, अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब जैसे ये बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज, बैटरी चाहेगी कि इधर जाए विद अ फोर्स ऑफ 10, ये तो कम करेगी नहीं अपनी फोर्स, पर यहाँ पर अच्छा खासा चार्ज डेवलप हो गया। शुरू में कम था, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कह रहा है कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ नहीं आने दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कहाँ लगाऊंगा, इन राइट डायरेक्शन। बैटरी चाहती है कि फोर्स कहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाए, लेफ्ट, पर इलेक्ट्रो ये अब जान नहीं दे रहा, लगा तो ये पहले भी रहा था फोर्स, लेकिन पहले फोर्स कमज़ोर थी, बैटरी तो शुरू से 10 लगा रही है, तो ये प्लस इसे पुश कर रहा था बाय द फोर्स ऑफ 1, शुरू में कमज़ोर था ये चार्ज, इसको डिपॉजिट होना पड़ा, फिर और स्ट्रांग हो गया, तो ये फोर्स होगी 2 3 4, करते करते एक टाइम पे कितनी हो गई, 10। अब देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, यहाँ पे पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज पे बैटरी चाहती है कि फोर्स कहाँ लगे, इस तरफ 10, और ये प्लेट क्या करती है, उसको फोर्स लगाती है इस तरफ 10, 10 और 10 कैंसल, तो चार्ज जहाँ पर पड़ा हुआ है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट के सारे चार्ज रेस्ट पे आ गए। अब बैटरी पुश तो लगातार कर रही है लेकिन चार्ज मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पुश कर रही है। अब ये बैटरी बिकने को तैयार है, ये वो बैटरी है, तो इसके अंदर जब मार्केट से बैटरी लेके आई, ये इक्विलिब्रियम में है, इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव, इस पर ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका, तो जब ये बनी थी ये सब फोर्सेस काम कर रही थी बनते हुए, अब ये बन गई, कंप्लीट हो गई, तो अब ये इक्विलिब्रियम में है इसके अंदर, इसमें कोई चार्ज की मूवमेंट नहीं है। अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप यहाँ एक बल्ब लगाओगे, कोई माइक लगाओगे, या फैन चलाओगे, या बल्ब कुछ तो चलाओगे, तो आप क्या करोगे, आप एक वायर कनेक्ट करोगे। अब जैसी वायर कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा वाह मज़ा आ गया, रास्ता मिल गया भागने का, तो इलेक्ट्रॉन भाग के इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। अब ये चार्ज कमज़ोर हो गया, बैटरी तो लगातार फोर्स लगा रही है 10, अब ये वाली फोर्स कम हो गई क्योंकि एक चार्ज गायब हो गया, इक्विलिब्रियम खराब हो गया, तो बैटरी की चलेगी, बैटरी पुश करके इसको पॉजिटिव चार्ज को फिर यहाँ डिपॉजिट कर देगी और नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ कर देगी। अब फिर इक्विलिब्रियम आ गया, रास्ता अभी भी खुला हुआ है, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चले गए, तो बैटरी फिर पुश करके इलेक्ट्रोड्स के चार्ज को फिर मेंटेन कर देगी, और इस तरीके से यहाँ से इक्विलिब्रियम खराब होता है, बैटरी ठीक कर देती है, खराब होता है ठीक,
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, आप कहते हो देखो करंट आ गया, फैन भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, सब चल रहा है, तो जब तक बैटरी में जान है वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करती रहेगी, और जब बैटरी फेल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, फिर ख़त्म कर, फिर कुछ नहीं होगा, बैटरी ख़राब होगी, फेंक देना। ठीक, इसके आगे नहीं मुझे को बैटरी का पता कि वो रिचार्जेबल कैसे होती है। रिचार्जेबल मुझे पता है, हम करेंगे रिचार्जेबल का, रिचार्जेबल का प्रिंसिपल मुझे मालूम है कि कैसे रिचार्जेबल सेल्स आते हैं, वो भी आएगा आपके उसमें, पर यहाँ तक क्लियर है सारा। अब बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, बैटरी सारा दिन काम करी जा रही है, और क्या कर रही है, चार्ज को डिपॉजिट कर रही है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या डेवलप करेगी, पोटेंशियल का डिफरेंस, और उस पोटेंशियल का डिफरेंस की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ई एम एफ ऑफ अ बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि बैटरी का फोर्स का मैकेनिज्म काम करता है, इसलिए इसका नाम फोर्स से रखा गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जब ये बैटरी अब बिकने को आएगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है, क्लेम करते हैं 9 वोल्ट है, और ये 9 वोल्ट ही है, तो इसका मतलब इसकी ई एम एफ कितनी है, 9 वोल्ट है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब ये है पार्ट वन, चैप्टर वन, चैप्टर वन मूवी का, चैप्टर वन। अब मूवी का चैप्टर टू, ये अब क्लेम करते हैं 9 वोल्ट। जब मैं इसे चलाऊंगा और बल्ब ऑन करूंगा, काश अगर बल्ब बोलता होता और मुझे बताता कि तेरे को कितने वोल्ट मिले, तो कितने वोल्ट मिलेंगे, अगर ये 9 वोल्ट है तो कितने मिलने चाहिए, 9 वोल्ट। जब कनेक्ट करूंगा 9 वोल्ट, बल्ब अगर बोलता तो वो बोलता यार मुझे 9 नहीं मिले, मुझे 8 मिले, 7 मिले, 6 मिले, मुझे 9 नहीं देती ये बैटरी। आपको ये क्या बात बनी, 9 वोल्ट की बैटरी तो कुछ भी कनेक्ट करोगे 9 वोल्ट ही देगी, नहीं देती। तो ये अब हम अगली शीट में स्टडी करते हैं, ऐसा क्यों होता है। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो अगली कहानी स्टार्ट करते हैं, शीट नंबर 42। ठीक, देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अगर ये छोटा सा टॉपिक, बस इतना सा, ये देख लो, अगर ये इतना सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो मेरे ख्याल से आपका ज़्यादा ना सही तो 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उड़ जाएगा, आप कोई न्यूमेरिकल ठीक ही नहीं कर पाओगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, बस इतनी सी बात है ये। तो आपको अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सुनना पड़ेगा, बहुत आसान है, बस इसी का आंसर दे रहा हूँ कि 9 वोल्ट की बैटरी बाहर 9 वोल्ट क्यों नहीं दे पा रही। तो करें स्टार्ट। ठीक, देखो तो टॉपिक का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए एक पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास ये एक बैटरी है, एक अरेंजमेंट लेते हैं, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बल्ब भी हो सकता है, वायर भी हो सकती है, और ये बैटरी है। बैटरी के अंदर हमने क्या डाला था, इलेक्ट्रोलाइट, और बैटरी के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स। तो जब कोई करंट इसमें से पास होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें से निकलेगा तब वायर में जाएगा, ऐसे घूमेगा, तो जब वायर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो फिर कोलिजन्स होती है मेटल आयन के साथ, तो रेजिस्टेंस होती है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा होता है तब भी तो कोलिजन्स होती होंगी, इलेक्ट्रोड के साथ कोलिजन होती होंगी, तो यानी कि बैटरी के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एक रेजिस्टेंस। जो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड करते हैं, और उस रेजिस्टेंस को क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी के अंदर को इंटरनल बोलते हैं, बैटरी के बाहर को एक्सटर्नल बोलते हैं, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्लियर है यहाँ तक? और टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस दोनों का सम होगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस इंटरनल, और इंटरनल होने का रीजन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, इसका सिंबल छोटा आर, एक्सटर्नल का सिंबल बड़ा आर, इसको छोटा बाहर ड्रॉ कर दो, अंदर ड्रॉ कर दो, बस पता होना चाहिए कि आपने इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया, क्लियर है? अब मान लो बैटरी ने करंट सेंड करना है, करंट कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन भाग के, जब आपने कनेक्ट किया था, इलेक्ट्रॉन भाग के नेगेटिव से पॉजिटिव एफिशिएंसी पूरा करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऑपोजिट होगा, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो याद हो गया यहाँ तक? अब इस केस में आप इमेजिन करें, ये बैटरी मैंने 10 वोल्ट की ली थी, इस पे लिखा था भैया 10 वोल्ट की बैटरी है, तो मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट लगा लिया, कंपनी क्लेम करती है 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का मतलब जब ये बनी थी तो इसमें दो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था, और कितना था? 10 वोल्ट था, लेकिन जब इसमें से करंट निकला तो ये इसका टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नहीं रहा। अब इसको समझते हैं ऐसे कैसे, इसको समझने के लिए आप एक पॉइंट को देखें कि सपोज आपके पास देखो, मान लो ये आपके पास कोई एक सर्किट है, ये रहा, ठीक है, ये मैंने बनाया, इसमें दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब वो बनी थी तो कितनी थी? 10 वोल्ट, इसको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देते हैं? ईएमएफ, तो ई की वैल्यू कितनी थी? 10 वोल्ट थी, इसको ईएमएफ बोलते हैं, और ईएमएफ हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इसमें से करंट निकल गया, अब ये रेजिस्टेंस इस बैटरी को कहता है यार तू मेरे को वी दे दे, तो मैंने कहा भाई वी कैसे दे दे, तो वो कहता है जैसे आपने कैपेसिटर को दिया था, मुकाबला कैपेसिटर से कर रहा है, कैपेसिटर को कैसे दिया? ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर था, याद करो ये बैटरी थी, और कैपेसिटर में क्या प्रिंसिपल यूज किया था हमने कि अगर ये 10 वोल्ट है, ये प्लस है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी सेम पोटेंशियल पे, अगर ये नेगेटिव है तो सेम पोटेंशियल पे, तो अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो इनके अक्रॉस भी 10 है, तो उसने कहा जैसे इसको 10 दिया मेरे को भी 10 दे दे, कोई सेम पॉइंट है, फर्क तो है नहीं कोई भी, तो आना तो 10 ही चाहिए था। अब ये बैटरी बोलती है यार मेरी ना एक मजबूरी हो गई है, आज ही मजबूरी हुई है, पहले नहीं थी फर्स्ट चैप्टर में, क्या मजबूरी है कि मेरी लोगों को क्या पता लग गई? इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले थी नहीं, पहले हम निगलेक्ट करते थे, हमने स्टडी नहीं की, हमने बात ही नहीं की, तो हमने ली नहीं, जब ली नहीं फिर तो इसने 10 का 10 दे दिया, पर अब क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये बैटरी कहती है जब मेरे अंदर करंट जाता है ना, मेरे रेजिस्टेंस में भी करंट जाता है, तो मेरे अंदर पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब कि अगर मेरे पास मेरे टर्मिनल में 10 वोल्ट है ना, तो आई इंटू आर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि तू अब अकेला रेजिस्टेंस नहीं है, अब मेरे अंदर भी रेजिस्टेंस है, अब मेरे को 10 वोल्ट को बांटना पड़ेगा तुम दोनों को, पहले जब स्मॉल आर नहीं था तो मैं 10 का 10 कैपिटल आर को दे सकती थी, पर क्योंकि अब मेरे साथ स्मॉल आर भी है तो मेरे को इसको भी कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा, मान लो मैंने इसको कितना दिया अपने अंदर 2 वोल्ट, तो इसको इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल क्या हो गया? ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये भी गया, टोटल कितना था बैटरी के पास? 10, 2 तो हो गया खराब, खराब क्या गया? अंदर ही डेवलप हो गया, अब बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने क्या करना है भाई, बैटरी फिर परचेज करके लाया था कि मेरे को बाहर बल्ब चलाना है, अंदर यूज कर रहा है उसका तो मेरी वेस्टेज ही हो गई ना, तो मेरे को बाहर कितना मिला? टोटल 10 था, 2 तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया वोल्ट, 2 वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म कर गया, तो बचा कितना? 8 वोल्ट, तो पॉइंट समझ में आया कि इसको कम क्यों मिला, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप डेवलप हो गया,
जिससे कि आपका बाहर रेजिस्टेंस को पोटेंशियल कम मिल गया। अब सोचो जिस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, स्मॉलर ज़्यादा है, उसका ये प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, तो उस केस में वो बाहर पोटेंशियल को क्या देगी? कम, पर एटलीस्ट 10 तो नहीं दे सकती। जब तक स्मॉल आर बैठा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, तब तक 10 वोल्ट कैपिटल आर को मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है यार हटा दो इसे, लो मत, मत लो, छोड़ दो, तो अगर मैं कहता हूँ छोड़ दो, तो अब बैटरी कहती है ठीक है देख मेरे पास 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरी है नहीं, तो मैंने किसको देना है? मेरे पास स्मॉल आर में तो जाना ही नहीं वोल्ट, अब मैं सारे के सारे तेरे को दे दूं तो अब कितना आएगा? 10 वोल्ट। तो इसीलिए कैपेसिटर के केस में इसको पूरे का पूरा कितना मिल गया था? 10 वोल्ट। पर अगर कैपेसिटर में बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती, फिर कभी भी इसको 10 वोल्ट मिल ना पाता। लॉजिक समझ में आया कि बाहर एक्सटर्नल को कम क्यों मिलता है? क्योंकि कुछ वोल्ट खराब हो जाएंगे, खराब को बोलते हैं ड्रॉप हो जाएंगे, किसके अक्रॉस? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब कितने ड्रॉप हुए, क्या लॉजिक है इसको समझते हैं। मान लो इन दोनों टर्मिनल्स में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई था और ई की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट, ऐसे ही था। लेकिन जब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करना है मुझे, तो ऐसे केस में, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस क्या हो जाएगा? आई इंटू आर, बताया ना 10 तो होगा ही नहीं, 10 तो टोटल था, आई इंटू आर तो ड्रॉप हो गया, और मैंने आई इंटू आर की वैल्यू ऐसी रैंडम अपने मन से क्या ली? 2 वोल्ट। तो इसको कितना, अब ये कितना दे पाएगा बाहर? 8। तो 8 देने का मतलब है, यहाँ पर 8 देने का मतलब है कि बैटरी ये समझा रही है इस रेजिस्टर को, क्योंकि रेजिस्टर बैटरी को पूछ सकता है भाई देख तेरे टर्मिनल्स में जब तू बन के आई थी तेरे पास 10 था, तू मुझे 8 दे रही है। तो बैटरी ये कह रही है भाई देख मेरे टर्मिनल्स में पहले 10 था, अगर तू मेरे में से करंट बाहर निकालेगा तो मैं आई इंटू आर इसको भी दूंगी, अगर तू करंट नहीं निकालेगा तो मैं आई जीरो कर दूंगी, तो मेरे टर्मिनल्स में 10 ही रहेगा। तो कंपनी गलत नहीं कहती कि दो टर्मिनल में 10 वोल्ट है, क्योंकि कंपनी ये 10 वोल्ट बताती है जब आप इसमें से करंट को विड्रॉ नहीं कर रहे। भाई जब करंट ही नहीं ड्रॉ करोगे, स्मॉल आर इंटू आई जीरो ही रहेगा, तो फिर तो 10 ही 10 है। तो कंपनी बेचते हुए आपको क्या बताती है? इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और आप 9 वोल्ट ले आते हो, पर जो मशीन चलेगी वो 9 वोल्ट से कम पे चलने वाली है, तो कितना कम चलेगी वो डिपेंड करेगा स्मॉल आर के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब मैं ऐसा करूं, ये क्या था ई, ये क्या था आई इंटू आर, तो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट बाहर निकलेगा वो 10 वोल्ट नहीं रहेगा, इन दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस 8 आना शुरू हो जाएगा जब आपने इन टर्मिनल में से करंट को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब नहीं निकाला तो 10 रहेगा, जब निकाल दिया और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है फिर इन्हीं टर्मिनल्स के क्रॉस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसीलिए इसको मिटा दूं एक मिनट, इसीलिए यहाँ पर ई था पहले, आई इन टू आर गिर गया, तो अब जो नेट पोटेंशियल आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी। तो इस वी को बोलते हैं दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल का नाम हटा दो तो क्या बचा? टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल्स को वर्ड ना क्या नाम दिया? टर्मिनल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझ में आया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करना है? वी से, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करना है? ई से, और वी हमेशा ई से क्या निकलेगा? कम निकलेगा या ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल निकल सकता है। क्लियर है यहां तक? तो वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जब करंट इसमें से निकलेगा तो दो टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। तो इसमें वी कितना है? 8 है। जैसे इसमें ये अगर मैं 10 लेता हूँ, ये 2 लेता हूँ, तो ये क्या आएगा? 8 आएगा। तो अगर दो टर्मिनल्स में 8 है तो इसको भी ऊपर कितना मिलेगा? 8 ही तो मिलेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 8 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर 8 आ रहा है तो ये 8 ही दे पाएगा, 10 नहीं दे पाएगा।
अब कैपिटल आर कहते हैं भाई मेरे को भी ओम्स लॉ आता है, मैं चेक करूंगा कि तुमने मेरा पोटेंशियल कितना बन रहा है। तो मैंने कहा चेक कर, तो इसने क्या किया, इसका करंट और अपनी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसने देखा आंसर इसके पास सच में क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो यानी कि ये 8 को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, वी से। तो अगर यहाँ पर वी आया तो यहाँ पे वी आएगा, ये वी है तो ये भी क्या है, वी है। ये पॉइंट क्लियर है, अगर ये वी है तो ये भी वी है। तो यानी कि वी इज इक्वल टू आई इन टू कैपिटल आर। तो यानी कि वी निकालने के अब दो तरीके हो गए। पहला तरीका कैपिटल आर से पूछ लो कि तू वी कैसे निकालेगा, तो कैपिटल आर क्या कहेगा, मैं अपने करंट को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो वी होगा। और अगर यही क्वेश्चन बैटरी से पूछना है कि तू बता टर्मिनल में पोटेंशियल कितना है तेरा, तो बैटरी क्या कहेगी, देखो मेरी वैसे ईएमएफ ई है पर मैं अपने में से क्या माइनस करूंगी, आई इंटू आर, तो जो बचा वो मेरा वी है। तो वी निकालने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, दो, एक पहला तरीका और एक दूसरा तरीका। न्यूमेरिकल में अगर तो कैपिटल आर की फॉर्म में वी निकालना है फिर तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर कैपिटल ई और स्मॉल आर की फॉर्म में निकालना है फिर ये लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सोचो इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, हटा दो, स्पेशल केस मान लो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। चलो हटाते हैं, ये हटा दें, ये गया, ये भी गया, दो गया, तो वी और ई में अब कोई फर्क नहीं है। तो अब ये बैटरी क्या कहती है, मेरे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। तो कैपिटल आर को भी अब क्या मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, ई, क्योंकि वी और ई में कोई फर्क है ही नहीं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ई और वी में तब कोई फर्क नहीं होता जब इंटरनल रेजिस्टेंस को लेते नहीं, पर जब इंटरनल रेजिस्टेंस को ले लेते हैं तो फिर वी और ई डिफरेंट वैल्यू शो करेंगे। कैपेसिटर के चैप्टर में किसी क्वेश्चन में वी लगा होता था, किसी में ई लगा होता था, और आपने पूछा भी था, मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। वो इसलिए एक बात थी क्योंकि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया ही नहीं। पर आज जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आपको सबसे पहले चीज़ क्या देखनी होती है, क्या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है। क्योंकि अगर तो नहीं है फिर तुम्हारी टेंशन खत्म, अगर 10 है तो सबको 10 बांट दो, खत्म, अपना न्यूमेरिकल 10 से होगा। लेकिन अगर इंटरनल है तो फिर आपको ई माइनस आई आर करके पहले 10 की जगह को 8 निकालना पड़ेगा, फिर आपका न्यूमेरिकल आगे 8 से स्टार्ट होगा, एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा आपको। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आई सेम रहता है, करंट तो पूरे सर्किट में सेम रहता है, ठीक। तो ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस में आपकी शीट में सेम चीज लिखी हुई है, तो इसमें ये ईएमएफ ई है, 10 वोल्ट है, इंटरनल स्मॉल आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ईएमएफ 10 है, क्या लिखा मैंने, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स इज 10, तो सही हो गया। व्हेन करंट इज नॉट विदड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम ही रहेगा 10, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा जब करंट उसमें से बाहर निकलेगा, ये भी लिख दिया मैंने। और कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर, आई इंटू छोटा आर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 10 है या 2 है तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो जो बैटरी का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कैपिटल आर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो कैपिटल आर था उसको आई इन टू कैपिटल आर मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी क्या होगा, वो भी इसमें वी ही रहेगा, वो भी इसमें वी रहेगा। वैसे ये गलत लिखा होगा, इसमें 8 होना चाहिए, ये 2 नहीं है, ये 8 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 है ना, तो कैपिटल आर को भी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 2 की जगह 8 करो यहाँ पे, सही है ना। आई इन टू कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू 8, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ, देखो आई इन टू कैपिटल आर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब वी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका वी इज इक्वल टू आई इन टू कैपिटल आर, और दूसरा तरीका वी इज इक्वल टू कैपिटल ई माइनस आई इन टू स्मॉल आर। तो जिससे मर्जी कर लो, आंसर दोनों में क्या आएगा, एग्जैक्टली
सेम आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब कई बार न्यूमेरिकल में ये यूज होगा, कई बार ये यूज होगा, कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि v किसके इक्वल है i इंटू कैपिटल R, क्योंकि v किसके इक्वल है e माइनस i इंटू स्मॉल R, दोनों को इक्वेट कर लो। तो i इंटू कैपिटल R इज e माइनस i इंटू स्मॉल R, तो i इंटू कैपिटल R प्लस i इंटू स्मॉल R इज इक्वल टू e, लिखना ये भी लिख लेना, लिखा नहीं हूँ आपकी बुकलेट में। तो i की वैल्यू विल बी इक्वल टू e डिवाइडेड बाई R प्लस R, ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लें यहीं पे। तो इसका मतलब कि जब आपके किसी भी एक सर्किट में बैटरी लगी हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो, इंटरनल स्मॉल आर हो, तो उस पूरे सर्किट में करंट कितना घूमता है, टोटल ईएमएफ वी नहीं आएगा यहां पर, हमेशा क्या आएगा, अब ई आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल कितनी है, छोटी आर, एक्सटर्नल कितना है, बड़ा। तो फॉर्मूला याद रहेगा करंट का, मैं काफ़ी जगह यूज़ करूँगा करंट निकालने का, तो ये तरीका खासकर तब जब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो। क्लियर है, वो कह रहा है अगर इंटरनल ना प्रेजेंट हो तो स्मॉल आर को उठा के क्या पुट कर दें, जीरो, तो क्या आएगा, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। क्लियर है, डिपेंड करेगा वो, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है फॉर्मूला ये रहेगा दोनों में। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, 10 वोल्ट है, इंटरनल कितनी है, 1 ओम है, एक्सटर्नल कितनी है, कैपिटल आर है। तो पहला रूल, करंट क्या होगा, करंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला, ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ई कितना है इसमें, 10, कैपिटल आर कितना है इसमें, 4, स्मॉल आर कितना है, आंसर करंट आ गया। तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। ठीक, अगर मैं पूछूं कि इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 माइनस आई इंटू 1, तो 10 माइनस आई इंटू 1, 8 वोल्ट। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इंटू कैपिटल आर, तो भी क्या आएगा, 8 वोल्ट। इसका मतलब रिजल्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है, चाहे नीचे से निकाल लो चाहे ऊपर से निकाल लो, आंसर सेम है। तो क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अब ये चैप्टर थोड़ा अलग अलग फ्रीक्वेंसी में चलेगा, अभी फैक्ट्स बेस्ड चल रहा था, अब क्या है वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड चलेगा, जैसे कैपेसिटर में करते थे सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल में सबसे पहले अगर कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, तो क्या करना है इसको एक बार देखते हैं। इसको देखने के लिए आपकी जो थ्योरी की एनसीईआरटी की बुकलेट है उसमें टॉपिक है, ये टॉपिक है पेज नंबर 16 पे, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब मैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं बैटरी लूँगा और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं लूँगा, नहीं लूंगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, हम इसका इसको सॉल्व करेंगे इंटरनल देखें, तो मैं बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस लूंगा। तो अब मैं सिंबल चाहे वी लूं
चाहे ई लूँ, मेरी मर्जी, एक ही बात है, ठीक है। तो सीरीज के अंदर जब करंट आएगा तो तीनों रेजिस्टेंस में एग्जैक्टली क्या रहेगा, करंट सेम, तो करंट सेम है। और जो V होगा टोटल वो डिवाइड हो जाएगा V1, V2 एंड V3, जैसे हम कैपेसिटर में भी करते थे। तो V किसके इक्वल होगा, V1, V2, V3 का सम। तो V1 क्या होगा, I into R1, V2 क्या होगा, I into R2, I into R3, क्योंकि करंट सीरीज में क्या रहता है, एग्जैक्टली सेम। तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, I नीचे ले आए, टोटल V अपॉन टोटल I क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो पहला रिजल्ट है। दूसरा, इसमें R1 की वैल्यू अगर 1 ओम है, R2 अगर 2 ओम है, R3 अगर 3 ओम है, तो टोटल आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो सीरीज के अंदर जो नेट आंसर आता है वो इन तीनों में से सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कौन सी है, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कौन सी है, 3 ओम, इससे भी ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, 3, इससे भी बड़ा आएगा 6, बताइए, वो तो समूह के आना है। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट आएगा पर डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3, मेरी मर्जी मैं E लूँ, मेरी मर्जी मैं V लूँ, क्योंकि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने ली नहीं। तो I1, I2, I3, तो सम क्या होगा, I = I1 प्लस I2 प्लस I3 पहले रजिस्टर में, और हाँ पैरेलल के अंदर हमेशा की तरह V की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो पहले रजिस्टर में I1 क्या होगा, V/R1, V/R2, V/R3, तो I1, I2, I3 की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये टर्म आएगी, I नीचे आ गया, टोटल करंट बाय टोटल वोल्टेज 1/रेजिस्टेंस, तो 1/रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। इस रिजल्ट के अंदर अगर ये 1 ओम है, अगर ये 2 ओम है, अगर ये 3 ओम है, तो जो नेट आंसर आएगा ना R ऑफ P का, वो लेस देन 1 ओम आएगा, रेसिप्रोकल है ना, 1 से भी कम आएगा। तो यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है कितनी है, 1, आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, तो 1 ओम से भी छोटा आएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें जो इस शीट में वापस जाएं अपनी, तो यही एक्सप्लेन्ड है कि सीरीज में क्या फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगेगा, और अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में R1 R2, तो ये फॉर्मूला लगेगा सिंप्लीफाई करके R1 R2 / R1 + R2, क्लियर है यहाँ तक, ओके। सब्जेक्टिव शीट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2-3 तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने वाले हैं नहीं, असली क्वेश्चन सीरीज पैरेलल के अभी शुरू होने वाले हैं। देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं ये बताना है। तो इसमें करंट पता है और आप इसको, आपको इसमें टाइम भी पता है, तो करंट कितना है 300 mA, टाइम पता है, तो यहाँ से क्या जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या किया था, Q = ne, तो n क्या होगा, Q/E, चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन इन अ कंडक्टर, तो ये 10 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, नंबर डेंसिटी n भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला 2 है वैसे तो, पर करंट की फॉर्म में I/NE, तो ये आंसर है। ये भी कर लिया था रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ये नहीं किया था, ये एक नया क्वेश्चन है। अ वायर हैविंग अ मास, एक वायर का मास गिवन है एंड उसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है, इफ द रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी भी गिवन है, कैलकुलेट उस वायर की लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन रेडियस, और साथ में क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। देखो ये बात तो पक्की है, जब मास है डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम या मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यूज होना ही है। आपको सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं इसमें, या तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, या फिर मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दोनों लगा दो। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में आर पता है, रो पता है, पाई पता है, एक एल नहीं पता और एक स्मॉल आर नहीं पता। एक और इक्वेशन चाहिए होगी, तो दूसरी इक्वेशन क्या यूज़ की मैंने, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी कंडक्टर का, पाई आर स्क्वायर एल इनटू डेंसिटी। बस दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आर इंटू एम, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन में आर पता है, एम पता है, रो पता है, एल नहीं पता, तो एल को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एल आ जाएगा। कैलकुलेशन को अगर छोड़ दें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया और किसकी वैल्यू आ गई, लेंथ। अब आपके पास अगर लेंथ आ गई, इसके अंदर मास पता है, डेंसिटी पता है, लेंथ पता है, तो क्या आ जाएगा, रेडियस। तो सेकेंड पार्ट में मैंने क्या निकाल दिया, रेडियस में निकाल दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। में आ रहा है ठीक। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको नॉर्मल बुक्स के अंदर काफी मिलेंगी, मेरी जो ऑब्जेक्टिव शीट्स हैं उसके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगी। तो मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि कैसे लगाना है, तो जब होमवर्क आएगा ऑब्जेक्टिव शीट्स का या उन शीट्स का, तो आपको ये एक बार रिवाइज करना है। तो आपको कैसे मास वाले क्वेश्चन को हैंडल करना है, रेजिस्टेंस एंड मास वाले, तो ये ट्रिक है, ये यहाँ से अब शुरू है। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू है, सीरीज एंड पैरेलल। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे, देखो कैसे। ये एक पूरा सर्किट है, आपको इसमें ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट नंबर वन, अब आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो 9 और 5 ऐड करके 14, ये दोनों किस में है, सीरीज में, 10 और ये एज इट इज 10। अब ये तीनों किस में, इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि साफ पता लग ही रहा है कि अगर ये मान लो जंक्शन है और ये V1 है और ये V2 है, तो इसके अक्रॉस भी V1 - V2 है, V1 - V2 है, V1 - V2 है, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में लगा लोगे 1/10, 1/10, 1/14 आंसर। कोई डाउट इसमें, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे, रेजिस्टर्स करना थोड़ा ईजी भी होता है, शायद आपने कर भी रखा होता होगा और कुछ हमने प्रैक्टिस भी कर ली इस वजह से। जैसे ये बताओ, इसके अंदर क्या करना है, ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी में भी ना लाइंस ड्रॉ कर लिया करो पहले, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये दिख रहा है, ये दोनों किस में है, इन सीरीज, तो सीरीज में 3 और 3 मिलके क्या देगा, 6 और 6 किस में, इन पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा, 3। 3 और 3 सीरीज में कितना, 6। 6 और 6 पैरेलल में कितना, 3। 3 और 3 सीरीज में, 6। 6 और 6 पैरेलल में, 3 और 3 सीरीज में, 6। 6 और 3 पैरेलल में, 2। तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि एंड में क्या बचा, इधर से 6 बचा, इधर से 3, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होगा, 6 × 3/6+, तो आंसर 2 आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको सोचना है आपने, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको करंट बताना है बैटरी में से कितना निकला। हिंट देता हूँ, अभी सॉल्व करो, ये दोनों किस में, सीरीज में, इसके साथ टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। टोटल करंट निकालने के लिए इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो लेना ही नहीं है, तो ई लो वी लो एक ही बात है। तो क्या करना है, 30 और 30 सीरीज में, 60 और 30 पैरेलल में, आंसर क्या आएगा, 20। तो ये बनेगा डायग्राम 20, तो ये बैटरी और ये 20, तो करंट क्या होगा, जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल तो है ही नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल, आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट कैसे निकल के समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे ये, इसमें आपको हर ब्रांच में करंट बताना है क्वेश्चन में,
बताओ ये किसमें है? तो 12 12 12 12 पैरेलल में आंसर क्या आएगा? 3, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, तो 3 ऐसे, ये सब पैरेलल में 3, पैरेलल में 3, 3 3 3 सीरीज में, तो सीरीज में क्या आएगा? 9, तो टोटल करंट क्या आएगा? 9/9 कितना? 1 एम्पियर। तो बैटरी में से कितना करंट निकला? 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट यहां तक पहुंचा बैटरी में से, अब चार ब्रांचेस में जाना है, डिवाइड होना है, पर क्योंकि रेजिस्टेंस चारों की सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 1 एम्पियर किसमें? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हर ब्रांच में कितना जाएगा? ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अ लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड, ये ए लेटर है, ये रहा ए लेटर है, कंस्ट्रक्टेड विद अ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम है। क्लियर है यहां तक? साइड ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1 ओम की है, तो 20 सेंटीमीटर कितने ओम की है? 20 ओम की है। तो ये कितने ओम की है? 20 ओम। ये भी कितने ओम की है? 20 ओम टोटल। ठीक, आगे कॉपर पीस इन द मिडल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो अगर ये टोटल 20 ओम है, 20 ओम है और ये लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो ये कितने ओम की है? 10 ओम की है। और उसने कहा ये आपने मिडल में लगाया, मिडल का मतलब कि 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10, इसका आधा क्या हो जाएगा? 10। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये देखो ये 20 थी तो ये कितनी हुई? 0 और 0। तो ऐसे ये भी क्या हुआ? 0 और 0, तो ये भी 1 0, तो 10 10 10 10 10। तो बैटरी लगी हुई है पर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एंड में यूज करेंगे। आपको हर ब्रांच में करंट बताना है इसमें, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो 10 और 10 किसमें? इन सीरीज। क्या आएगा? 20। तो जो 20 आएगा वो इस 10 के साथ किसमें? पैरेलल में। और ये 10 और 10 तो एज इट इज और बैटरी एज इट इज। क्लियर है यहां तक? डायग्राम क्लियर है? सेम है। हाँ, इसमें एक पॉइंट जरूर है, इंटरनल रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन के अंदर पता है कितनी गिवन है? 3.33। मैंने गलती से क्या ले ली? 1.33। तो इसमें 3.33 करेंगे, कोई बीट स्टोन बीज नहीं है, सिंपल है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब 20 और 10 किसमें कनेक्टेड है बोलो? इन पैरेलल। तो आंसर क्या आएगा? 20 × 10/20 + 10 × 20/3। तो ये दो रेजिस्टेंस एज इट इज और ये 20/3। तो ये डायग्राम क्लियर है? अब कोई बात नहीं, 1.33 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू को छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक? डायग्राम क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। अब टोटल करंट देखो ध्यान से, टोटल करंट क्या होता था? ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल कितनी है बैटरी के? ये तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है? इन। तो ऐड कर दें, एक्सटर्नल आ गई और इंटरनल कितनी है वो अलग से ऐड कर दें, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। समझ में आ रहा है करंट कैसे निकलेगा? तो टोटल रेजिस्टेंस देनी पड़ेगी एक्सटर्नल की भी और इंटरनल की भी, और ऐड करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो आपके पास मान लो क्या आ गया? करंट आ गया। तो आपको इस ब्रांच में करंट पता लग गया 0.5 0.5, यानी कि आपको ये पता लग गया ये 0.5 ये 0.5, आपको बाकी ब्रांचेज में निकालना है। अब 0.5 डिवाइड होगा 20 और 10 में, तो डिवाइड करें तो देखो 20 और 10 को अलग बना लिया मैंने और 0.5 करंट आ रहा है, तो 0.5 करंट को 20 और 10 में डिवाइड करें तो मान लो इसमें चला गया I2 और इसमें चला गया I1, पर पैरेलल में V क्या रहता है? सेम। तो इसका V क्या होगा? I2 into 20, इसका क्या होगा? I1 into 10। तो यहाँ से करंट की रेशियो आ गई, टोटल करंट कितना बांटना है? 0.5 को किस रेशियो में? 2:1। तो पहला हिस्सा क्या होगा? 2 / 2 + 1 × 0.5। दूसरा क्या होगा? 1 / 2 + 1 × 0.5। तो ये करंट की वैल्यू आ जाएंगी इसमें और इसमें। तो जो करंट इसमें होगा 20 में, क्योंकि ये किससे बना हुआ था? इन दोनों का सीरीज में, तो करंट इन दोनों में रहेगा एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। आपको आइडिया समझ में आ रहा है? तो अगला जो लेक्चर है हमारा, बस वो इन्हीं की प्रैक्टिस है। तो मैं आपको अलग अलग डायग्राम दूंगा, ईएमएफ दूंगा, आप करंट्स और रेजिस्टेंसेस को निकालेंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको?
ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर।